हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल का कीबोर्ड की सेटिंग ख़राब हो गई या फिर बिगड़ गई है तो कैसे आप सही कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, कीबोर्ड को ठीक करने के लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा तो इस पर टिप देखिए क्लिक करके लिखना है ऐप। जैसे ही आप ऐप लिखेंगे तो ऐप्स या फिर ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, जहां पर सभी ऐप्स रहते हैं। तो आपको इन सेटिंग में से किसी भी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। गाइस, अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको आना है थोड़ा नीचे और यहां पर एक सेटिंग खोजनी है, ऐप्स नाम से या एप्लीकेशन नाम से या ऐप मैनेजमेंट नाम से मिल जाएगा, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार लोडिंग लेगा। अब आपको ऊपर की साइड दो या थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा या मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इतना आप कर लेते हैं, अब आपको देखिए सर्च बार में ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है जी बोर्ड। जैसे ही जी बोर्ड लिखेंगे तो की बोर्ड आ जाएगा, इसका नाम जी बोर्ड रहता है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से क्लियर डेटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप क्लियर डेटा कर देते हैं इसका, तो अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और फिर कीबोर्ड को ओपन करके दिखाते हैं। आप कीबोर्ड को कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को ओपन करते हैं, अब यहाँ पर नो थैंक्स करते हैं। देखिए, कीबोर्ड सही हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम थी सब यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब गाइस, अगर आपको कोई भाषा ऐड करनी है, लैंग्वेज ऐड करनी है, तो यहाँ टी के ऊपर इस सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब आप आ जाएंगे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करना है, फिर आपको ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से जो भी भाषा ऐड करनी है उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं हिंदी पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, आप चाहें तो और भी हिंदी भाषा को ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे डन कर देना है। अब आते हैं बैक, और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, मतलब कि ऐड हो चुकी है। अब हम देखिए कीबोर्ड का उपयोग कर पाएंगे। तो गाइस, इस तरीके से आप बिगड़ी हुई सेटिंग को सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।